ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले जो क्लास हम लोगों ने किया था ना, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्लासेस हम लोगों ने किया था कि जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो एक्सटिंग्विशर्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। बट बिफोर दैट, उससे पहले आज के वीडियो में क्या होने वाला है ना, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले बता देते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कि जो दो तरह के एक्सटिंग्विशर्स हैं, एक है आपका स्टोर्ड प्रेशर टाइप और एक है आपका कार्ट्रिज टाइप। एक जिसको आप रिफ़िल कर सकते हैं, एक जिसको आप खुद से रिफ़िल नहीं कर सकते हैं। इसको आपको फैक्ट्री में भेजना होता है, ऑथराइज जो सप्लायर होता है मैन्युफैक्चरर, वो आपको रिफ़िल करके वापस हैंड ओवर करता है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पार्ट्स क्या क्या हैं, और इंडिया में क्या है, देयर आर मैनी कंपनीज इन द वर्ल्ड इन द कंट्री जहाँ पे आपको खुद से एक्सटिंग्विशर को रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रिचार्ज करने का क्या प्रोसीजर होता है उसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटिंग्विशर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होता है। पहला बेसिस है कि उसके अंदर क्या है। तो एक्सटिंग्विशर के अंदर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है, ऑल्सो नोन एज एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, एक तो वाटर होता है, पानी, मतलब इसके अंदर क्या बना होता है, पानी भरा होता है। तो एक टाइप हो गया वाटर, दूसरा हमारा हो गया फोम, तीसरा हो गया हमारा ड्राई केमिकल पाउडर DCP, चौथा हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा होता है स्पेशल वेट केमिकल जिसका यूज किया जाता है इन क्लास के और क्लास एफ फायर, किचन फायर में या कुकिंग ऑयल एंड फैट फायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसे हैं जिनको आप खुद से रिचार्ज कर सकते हैं, दे आर नोन एज कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर, जैसे कि ये एक्सटिंग्विशर और ये एक्सटिंग्विशर। और कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसा होता है जो आप रिफिल नहीं कर सकते हैं, कहाँ भेजना पड़ेगा आपको, मैन्युफैक्चरर के पास, वो आपको रिफिल करके टैग लगा के आपको क्या करेगा, वापस देगा। पहचानना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। जितने भी कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसको आप रिफिल कर सकते हैं, उसमें ऐसा नॉब लगा, जिसको प्लंजर कहते हैं, देखिए आप ऐसा नॉब लगा होता है, नोटिस कीजिएगा आप। दिस इज वाटर बेस्ड, या हमारा वाटर बेस्ड है, एंड दिस इज ड्राई केमिकल पाउडर, ये हमारा क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी नॉब लगा हुआ है, तो इसमें इसको यूज़ करने के लिए नॉब जो है ना, इसको स्ट्राइक किया जाता है। देखिए इसको पुश करेंगे, दबेगा नहीं चाहिए। सो बिफोर यूजिंग द एक्सटिंग्विशर ये क्या करना है, नॉब स्ट्राइक करना होता है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है, नॉब स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक करने से पहले पिन निकालना होता है। तो हम लोग ये नहीं आज पढ़ने वाले हैं कि यूज़ कैसे करना है, उसके लिए ऑलरेडी क्लास हम लोगों ने किया हुआ है और चैनल पे वीडियो भी हमने डाली हुई है, पास मेथड, एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का तरीका क्या होता है। तो अगर पहचानना है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कौन सा कार्ट्रिज बेस्ड है और कौन सा स्टोर्ड प्रेशर है, दिस इज़ कॉल्ड स्टोर्ड प्रेशर। इसमें लीवर होता है, देखिए हैंडल की तरह, दिस इज़ लीवर। जितने भी स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर है सब में क्या मिलेंगे आपको, लीवर्स मिलेंगे, और जितना भी कार्ट्रिज बेस्ड है उसमें क्या मिलेगा आपको, नॉज मिलेगा, नॉब। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड नॉब, कहीं कहीं इसको प्लंजर कहते हैं जो अंदर लगा होता है, ठीक है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना आइडेंटिफाई, वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज होज, इसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज होज और डिस्चार्ज पाइप कहीं कहीं कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लीवर, इसको हम लोग लीवर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेशर गेज, इसको प्रेशर गेज कहा जाता है। ये आपका सिलेंडर बॉडी हो गया, और ये जो है 8FFF फोम है, मतलब फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज आप नहीं कर सकते हैं। रिचार्ज के लिए आपको भेजना होगा मैन्युफैक्चरर के पास। यूज़ करने का तरीका सिंपल है, टैग निकालना होता है, पुल पिन करना होता है, स्क्वीज करना होता है, एम करना होता है और स्वाइप करना होता है, इसका काम ख़त्म, ठीक है। ये हम लोग आज के क्लास में इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको दिखाना था कि कौन सा आपका स्टोर प्रेशर टाइप होता है और कौन सा आपका कार्ट्रिज टाइप होता है। इसको हम साइड करते हैं, लेट्स कीप इट असाइड। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे दो तरह का एक्सटिंग्विशर हमने लिया हुआ है। रीज़न क्या है दो तरह का एक्सटिंग्विशर लेने का, कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आपका जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप एंड वाटर टाइप दोनों सेम होता है, लेकिन जो ड्राई केमिकल पाउडर है इसमें एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट होता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट। इसके लिए दो एक्सटिंग्विशर हमने लिया हुआ है। तो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे रिफिल करने का तरीका क्या होता है हमारा। तो देखिएगा, जो कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर है इसमें फोम भी होता है, ड्राई केमिकल पाउडर भी होता है एंड वाटर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप रिफिल नहीं कर पाइएगा, है ना, बिकॉज पूरे एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उसके लिए जो मशीन एंड इक्विपमेंट चाहिए, जाहिर सी बात है आपकी कंपनी में नहीं होगा, तो उसको क्या कराना पड़ता है, भेज कर आपको रिफिल कराना होता है। ये तीन तरह के एक्सटिंग्विशर्स को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिफिल ऑल बाई योरसेल्फ।
क्लियर है? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिचार्जिंग प्रोसीजर ऑफ वाटर. सबसे पहले हम लोग वाटर वाला एक्सटिंग्विशर है इसका रिचार्जिंग प्रोसीजर समझेंगे. इसका और फोम का सेम होता है, सेम प्रिंसिपल. सो दिस, ये जो आपका है पोर्शन, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द एक्सटिंग्विशर. इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेड ऑफ द एक्सटिंग्विशर कहते हैं. इसको आपको ओपन करना है. अभी फिलहाल हमने ढीला करके रखा हुआ है ना. सो आई हैव लूजन इट. हमने इसको ढीला कर दिया था क्लास के लिए कि बाद में रेंच से खोलने की जरूरत नहीं पड़े. हमेशा याद रखना है कि इसको जैसे खोलते हैं सारी चीज़ें वैसे इसको ओपन करेंगे. यू हैव टू ओपन इट. इसको सिंपली क्या करना है आपको? ओपन करना है. सो ये आपका ओपन हो गया. वंस दिस इज ओपन, एक बार जब ये ओपन हो जाता है, थोड़ा हम नज़दीक आते हैं ताकि आप लोग भी देख सकें और कैमरा में भी ये हो सके, है ना. सो यार आया कैमरा में नज़दीक से, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड CO2 कार्ट्रिज और गैस कार्ट्रिज. इसको हम लोग क्या कहते हैं? CO2 कार्ट्रिज या फिर गैस कार्ट्रिज कहते हैं. उसको शुरू रवि हिल रहा है ये. दिस इज कॉल्ड CO2 कार्ट्रिज और गैस कार्ट्रिज. क्या कहते हैं? CO2 या गैस कार्ट्रिज कहते हैं. ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आमतौर से हम लोग जो खोलते हैं ना, तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं? कसते हैं, राइट? और ऐसे क्या करते हैं? खोलते हैं. इसमें उल्टा होता है, मतलब जैसे कसते हैं वैसे खुलता है और जैसे खोलते हैं वैसे एंटी क्लॉकवाइज. देखिए ऐसे घुमाएंगे इसको, हम देख रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं, ये कसना चाहिए बट ये क्या हो रहा है? खुल रहा है ये सी. और जब इसको कसना होगा तो वापस रिवर्स में इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करेंगे. तो ये क्या होगा? कसना शुरू. अब दो चीज़ का याद रखिएगा आप हमेशा, ये यूज्ड है कार्ट्रिज, दिस इज यूज्ड. इसमें आप देखिएगा छोटा सा होल होगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को? कैमरा में आ रहा है? देखिए छोटा सा होल है. ये होल क्यों होता है? जब आप इस नॉब को स्ट्राइक करते हैं तो ये एक नीडल जो है जो उसको पियर्स करता है. देखिए नीडल निकल रहा है, देखिए निकल रहा है नीडल. कैमरा में आ रहा है? सी, तो ये नीडल जो है इसको क्या करता है? दिस पियर्सेस दिस पोर्शन. ये इस पोर्शन को क्या करता है? पियर्स करके छेद कर देता है उसमें. इसमें CO2 गैस होती है. तो जब ये छेद करेगा इसमें तो क्या होता है? प्रेशर के साथ गैस अंदर जानी शुरू होती है और अंदर क्या भरा होता है? पानी. और गैस जो है उस पानी के साथ मिक्स होता है, प्रेशर जनरेट करता है और यहाँ से आपका पानी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है. दैट्स हाउ दिस एक्सटिंग्विशर वर्क्स. ये इस तरह से क्या करता है? काम करता है. अब देखिए जो हमारा प्लंजर हेड है, द प्लंजर हेड ऑफ एक्सटिंग्विशर, इसमें देखिए यहाँ पर छोटे छोटे होल्स हैं. दिख रहा है होल? जी सर. ये देखिए एक होल यहाँ पर है और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दूसरा होल है और ये हमारा तीसरा होल है. तीन एडिशनल होल्स इसमें दिए होते हैं ताकि अगर आपने इसको क्या किया, स्ट्राइक किया और गैस निकलनी शुरू हुई और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाए तो कुछ प्रेशर इसमें से क्या होता है? रिलीज हो जाता है. तो इसके फटने का या किसी तरह का एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता. तो ये एडिशनल होल्स दिए जाते हैं. नाउ एक बार आपने एक्सटिंग्विशर को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद अगर ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है तो इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? इसको धो देना है. धोने का मतलब है इसमें सिंपल पानी डालिए, इसको थोड़ा खंगाल वंगाल दीजिए आप. खंगालने के बाद इसको साइड रख दीजिए आप, कीप इट असाइड. और साइड रखने के बाद आपको क्या करना है? एक नया कार्ट्रिज लेना है, चूंकि ये तो यूज़ हो चुका था, दिस हैज़ बीन यूज्ड. व्हाट यू नीड टू डू इज टू चूज अ कार्ट्रिज विच इज़ अनयूज्ड. एक कार्ट्रिज चूज़ कीजिए जो क्या है हमारा? अनयूज्ड है. वो कार्ट्रिज खरीद के मंगाना पड़ता है, वो आप रिफिल नहीं कर पाइएगा, गैस कार्ट्रिज. ऑलराइट? तो अगर 9 kg का एक्सटिंग्विशर आपका है तो 9 kg में 120 ग्राम या 220 ग्राम का कार्ट्रिज हमारा लगता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में 120 ग्राम 120 ग्राम्स का कार्ट्रिज होता है, उस पर लिखा होता है 120 ग्राम्स. तो आपको क्या करना है? गैस कार्ट्रिज लेना. देखे रवि गैस कार्ट्रिज? नाउ दिस इज गैस कार्ट्रिज. इसको हम दिखाते हैं आपको पलट के. देखिए इसमें होल है नहीं है ना? होल नीचे करें, होल है इसमें नहीं है ना? विच मीन्स इट इज अनयूज्ड. इसका मतलब क्या है? ये अनयूज्ड है. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है? सिंपली टेक द सेफ्टी पिन फर्स्ट. पहले क्या कीजिए आप? सेफ्टी पिन लीजिए और यहां पर आपको प्लंजर में लगाइए इसको, ताकि जब आप इसको टाइट कर रहे हो, स्क्रू कर रहे हो, तो एक्सीडेंटली ये क्या हो? दबे नहीं. क्योंकि एक्सीडेंटली दबेगा ना तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी को चोट लग सकती है या कोई इंजर्ड हो सकता है. सो फर्स्ट इंसर्ट द सेफ्टी क्लिप. पहले क्या कीजिए आप? सेफ्टी क्लिप को इंसर्ट कर लीजिए. इंसर्ट करने के बाद आप अपना कार्ट्रिज उठाइए, गैस कार्ट्रिज, और इसको क्या कीजिए आप? टाइट करना शुरू कीजिए. कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे खुलता है वैसे करना शुरू कीजिए. देखिए
देखिए ऐसे खुलता है आमतौर से चीज़ें, बट ये क्या हो रहा है आपका, टाइट हो रहा है। हाथ से नहीं करना, इसको रेंच से करना है आपको, पूरा टाइट, नहीं तो प्रेशर क्या होगा, लीक करना शुरू होगा। तो इससे नुकसान क्या होता है प्रेशर लीक करने से, कि आपका पूरा पानी ही निकल पाएगा, ये जो पूरा एक्सटिंग्विशर में वाटर है वो पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, और जितना देर इसको डिस्चार्ज होना चाहिए था उससे पहले ही क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है आग आपकी बुझ नहीं पाए। सो इसको जितना टाइट हो सकता है आप क्या करेंगे, उसको टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद क्या करना है आपको, इसको साइड में रख देना है, वेरी सिंपल। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, जब आप इसको टाइट कर रहे हो तो कैसे आपको टाइट करना है, व्हेन यू आर टाइटिंग दिस, तो या तो आप इसको इस डायरेक्शन में ऐसे करके स्क्रू कीजिएगा, है ना, इस तरह से। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर एक्सीडेंटली ये प्रेस भी हो जाता है ना, इफ़ इट इज़ प्रेस्ड एक्सीडेंटली, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, तो किसी के इंजर्ड होने के चांसेस नहीं है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरफ कोई नहीं होना चाहिए और इस तरफ कोई नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, राइट, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे और अगर ये एक्सीडेंटली क्या होता है, स्ट्राइक हो जाता है, तो ये सीधे कहाँ आएगा, ऑन योर फेस, राइट। सो यू माइट गेट इंजर्ड, द इंजरी माइट बी सीरियस ऑल्सो, तो इस बात का ध्यान रखना है टाइट करते वक्त। टाइट हो गया, इसके बाद क्या करना है, अगर ये वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर है, तो जब आप इसको पलटेंगे ना, तो यहाँ जो हैंडल इसका है ना, हैंडल के ठीक नीचे एक पत्ती लगी होती है, अभी दिखेगी नहीं अंधेरे में, ये आप लोगों को दिखाएंगे क्लास में, घूम के देख लीजिएगा आप लोग इसको, इसमें एक पत्ती लगी होती है, कहाँ पर, लगभग यहाँ पे, ये जो हैंडल है, हैंडल से लगभग आप कह सकते हैं 3 इंच नीचे एक पतली सी पत्ती ऐसी निकली होती है, वो किस लिए होता है, वहाँ तक पानी भरना है आपको। सिंपली आप क्या कीजिए, वहाँ तक पानी भरिए, पानी भरने के बाद वापस इसको टाइट कर दीजिए, स्क्रू कर दीजिए, स्क्रू हो गया। नाउ योर एक्सटिंग्विशर इज़ रेडी टू यूज़, आपका एक्सटिंग्विशर क्या है यूज़ करने के लिए, रेडी है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको क्या किया, टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद यहाँ पर एक इंस्पेक्शन टैग लगाएंगे कि इस एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन कब हुआ था, आपने कितने तारीख को रिचार्ज किया है, और अगला ड्यू क्या है, मतलब नेक्स्ट इंस्पेक्शन कितने तारीख को होने वाला है। जनरल केसेस में मंथली एंड वीकली इंस्पेक्शन हुआ करता है, एक इंस्पेक्शन आपको वीकली करना होता है और एक इंस्पेक्शन आपको क्या करना होता है, मंथली करना होता है। ये आप रिचार्जिंग प्रोसीजर समझ गए वाटर का। अब फोम का क्या होता है वो समझिए, अब फोम का सेम प्रिंसिपल है, एवरीथिंग इज द सेम, एक चीज उसमें एक्सेप्शन होता है सिर्फ। नाउ व्हाट इज दैट, कि जब आप फोम के लिए एक्सटिंग्विशर को रिचार्ज कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड फोम मेकिंग सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड फोम मेकिंग सॉल्यूशन, ये क्या करता है, झाग बनाने का काम करता है, इन अदर वर्ड्स। नाउ ये फोम बनाने का काम करता है, तो फोम अगर एक्सटिंग्विशर है तो सेम नहीं होता है। फोम एक्सटिंग्विशर में आपको एक नोजल लगा होता है और सामने एक FMV लगा होता है, फोम मेकिंग वाल्व, इस तरह से होता है, ऐसा नहीं होगा, ये वाटर बेस्ड है। तो आपको खोल के पहले इस डब्बे को खोलना है और इसमें फोम होता है, आपको फोम को क्या करना है, पहले फोम डाल देना है, और फोम डालने के बाद ऊपर से पानी डालना है, पहले पानी नहीं, अगर आप पहले पानी डालते हैं ऊपर से फोम डालते हैं तो वो झाग नहीं बना पाएगा, इट वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट द फोम इन डिज़ायर्ड क्वान्टिटी, तो वो फोम हो नहीं पाएगा। पहले क्या करना है आपको, फोम डालना है, उसके बाद ऊपर से क्या करना है, पानी डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्क्रू कर देना है, टाइट कर देना है। सो ये तरीका है आपका किस चीज़ का, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को रिचार्ज करने का और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को रिचार्ज करने का। अब हम लोग समझते हैं किसको नेक्स्ट, ड्राई केमिकल पाउडर, कि जो ड्राई केमिकल पाउडर है इसको हम लोग कैसे रिचार्ज करते हैं, इसका रिचार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है। ये सब स्टेप्स तो सेम है आपके, कार्ट्रिज को कसना, कार्ट्रिज को खोलना, दीज स्टेप्स आर क्वाइट सेम। आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद इसमें 60 ग्राम्स का यूज़ किया जाता है, इसमें जो कार्ट्रिज है गैस कार्ट्रिज, ये कितना होता है आपको, 60 ग्राम होता है, क्योंकि ये कम का है ना, 5 kg का एक्सटिंग्विशर है, देखिए यहाँ पर ये यूज है, होल देख पा रहे हैं आप लोग, दिस वन इज़ यूज्ड, आपको अलग कर लेना है इसको, कीप इट असाइड, एंड इसमें आपको ये मिलेगा डिप ट्यूब, ये एडिशनल आ जाता है इसमें, और दिस इज़ कॉल्ड डिप ट्यूब। ये आपको कहाँ मिलेगा, ड्राई केमिकल पाउडर, वो भी किस में मिलेगा, जो आपका कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर है, स्टोर टाइप में नहीं मिलेगा आपको, स्टोर में पूरा भरा होता है, ये आपका क्या मिलेगा, डिप ट्यूब है ये। तो आपका जो ये कार्ट्रिज है ना, दिस कार्ट्रिज, ये कहाँ जाता है, इसी डिप ट्यूब में जाता है, और जब आप इसको स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से गैस निकलता है, कहाँ, नीचे से, और जब गैस निकलेगा बाहर तो अपने साथ क्या करेगा, पाउडर को लेकर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो इसको क्या तरीका होता है रिचार्ज करने का, सबसे पहले आप डिप ट्यूब को अलग कर लीजिए,
देख लीजिए इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, सूखे कपड़े से इसको क्या कीजिए आप बाहर और अंदर से क्या कीजिए पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद ये जो आपका एक्सटिंग्विशर है देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको पाउडर दिख रहा होगा, दिख रहा है देख रहे हैं पाउडर थोड़ा बच जाता है जब आप यूज़ करते हैं तो एक क्या कीजिए आप लकड़ी लीजिए सूखी लकड़ी या कोई रॉड उठाइए आप इसको थोड़ा सा कुरेद दीजिए आप, कुरेदने के बाद इसको झाड़ दीजिए अच्छे से और झाड़ने के बाद अगर धोना है ज़रूरत है धोने की, वैसे नहीं धोइए तो बेहतर है, लेकिन अगर आप धो रहे हैं तो इसको धूप में क्या कीजिए आप, क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर मॉइस्चर नमी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, अगर वो नमी के कॉन्टैक्ट में आएगा सो इट विल स्टार्ट टू सॉलिडिफाई, ये क्या होगा ठोस होना शुरू हो जाएगा, लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो आप जब इसको डिस्चार्ज करेंगे तो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगा, ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है इसको कुरेद लेना है, कुरेदने के बाद इसको झाड़ लेना है और अगर धोने की ज़रूरत है तो धोने के बाद क्या करेंगे उसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल भी अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बैग्स आते हैं आपके, है ना, दिस इज कॉल्ड ड्राई केमिकल पाउडर, ये हमारा क्या है ड्राई केमिकल पाउडर है, इसका बैग आता है ना। तो इसमें क्या है सिस्टम कि ऐसा नहीं है कि आपने बैग को ओपन किया और बैग ओपन करने के बाद आधा पाउडर यूज़ किया और आधे को क्या किया लपेट के आपने रख दिया, इसमें क्या दिक्कत होगा ना कि जो आधा पाउडर आपने यूज़ किया आधे को लपेट के रखा है आपने, अगर वो नमी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, आपका पाउडर बेकार हो जाएगा। सो ये आपको बैग है ड्राई केमिकल पाउडर का, आपको सिंपली क्या करना है बैग को काटना है, काटने के बाद इसको क्या करना है इसमें फिल कर, कहाँ तक फिल करना है अंदर आप हाथ डाल के देखेंगे लाइट में तो पत्ती आपको दिखेगी जैसा कि इसमें दिख रही थी, आपको वहाँ तक क्या करना है फिल कर लेना है और फिल करने के बाद इमीडिएटली इसमें क्या करना है कैप आपको लगा देना है इमीडिएटली, ताकि ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आने पाए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब कभी आप ड्राई केमिकल पाउडर को रिफिल कर रहे हैं आप या रिचार्ज कर रहे हैं तो साथ में क्या लगा के रखेंगे डस्ट मास्क, ऑलवेज वेयर डस्ट मास्क, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो काफ़ी छोटे होते हैं, यू माइट इनहेल एंड इट माइट हैव यू नो एन इल हेल्थ इफेक्ट ओवर योर हेल्थ, आपके हेल्थ पे क्या कर सकते हैं ये बुरा असर डाल सकते हैं। तो हमेशा क्या करना होता है आपको फेस मास्क लगाना होता है, आपने एक बार जब पाउडर भर दिया अंदर उसके बाद आपको डिप ट्यूब को क्या करेंगे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जो आपका अनयूज्ड कार्ट्रिज है देखें वो वाला अनयूज्ड है, नाउ दिस इज अनयूज्ड कार्ट्रिज, आप देख पा रहे होंगे इसमें होल नहीं है, नहीं है ना, दिस इज अनयूज्ड, इसमें लगाएंगे लगा दें क्यों एग्जैक्टली वेरी गुड, तो इसमें सेफ्टी लॉक नहीं है देख रहे हैं आप, हमेशा ध्यान रख, ये गलती हो जाती है ना लेकिन ये गलती करनी नहीं है आपको, ये हमेशा क्या करेंगे यहाँ पर सेफ्टी लॉक है ना, सेफ्टी लॉक इसको पहले लगाएंगे और सेफ्टी लॉक लगाने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम कार्ट्रिज को कसना शुरू करेंगे ना, टाइटन करना शुरू करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है टाइट हो रहा है, हो रहा है टाइट होने के बाद इसको क्या करेंगे इसमें हम कस लें, यूज़ करने से पहले और हमेशा रेंच से करना है आपको, नॉर्मल हाथ से नहीं करना है, रेंच से करेंगे तो प्रॉपर टाइट होगा और सही तरह से एक्सटिंग्विशर क्या होगा यूज़ होगा। इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद सेफ्टी लॉक लगाकर छोड़ देंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग में ये बात बतानी होती है कि कभी भी कहीं आग लगती है तो आपको पहले क्या करना है सेफ्टी लॉक जो है सेफ्टी लॉक इसको आपको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद इसको स्ट्राइक करना है ना, इसको क्या किया रहता है स्ट्राइक किया रहता है, लॉक निकालना है और स्ट्राइक करना है, निकाल दिया था हमने भरा वाला वापस यूज़ लगा दिया था है ना, तो स्ट्राइक करना है क्या होगा ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपने साइट पर ये मंगाया हुआ है गैस कार्ट्रिज 50 या 100 पीस आपने क्वांटिटी में मंगाया हुआ है तो हर 3 महीने पर आपको कम से कम, वैसे रिकमेंडेशन है 6 महीने लेकिन 3 महीने पर करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहिएगा, हर 3 महीने पर इसको क्या करना है वज़न कर लेना है, 10% से कम अगर इसका वज़न हुआ है, मान लीजिए आप 120 ग्राम का है, 120 ग्राम का 10% कितना हुआ 12 ग्राम, अगर 12 ग्राम से ज़्यादा इसका वज़न कम हो गया है इसका मतलब है कि प्रेशर इसका क्या हो चुका है घट चुका है, आप इसको यूज़ मत कीजिए। आप मतलब जब आप एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करते हैं और अगर आपके साइट पर कार्ट्रिज बेस्ड एक्सटिंग्विशर हैं तो साथ साथ आप क्या करेंगे कार्ट्रिज का भी इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि जो स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर है उसमें तो प्रेशर गेज लगा हुआ है तो आप प्रेशर गेज से पहचान सकते हैं कि प्रेशर इसका नेगेटिव में है या ओवर प्रेशराइज्ड हो रहा है या पॉजिटिव प्रेशर में है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है यू हैव टू वे द एक्सटिंग्विशर और द कार्ट्रिज, आपको कार्ट्रिज को क्या करना पड़ता है वज़न करना पड़ता है तब आपको पता चलता है कि यूज़ कंडीशन में है या यूज़ करने की कंडीशन में नहीं है। सो आई जो बिलीव कि इससे आपको
एटलीस्ट रिचार्ज करना तो आ जाएगा। अब एक एक करके आप लोगों को बुलाएंगे, अब आप लोग दिखाइएगा कैसे रिचार्ज होता है। बंद कर दीजिए वीडियो को अवश्य।